मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मिटाने के लिए जब बात चल रही है तो दो चीजें, एक क्लैरिफाई योर एक्सपेक्टेशन, क्लैरिफाई योर एक्सपेक्टेशन, इसको समझते हैं पहले फिर दूसरी बात करते हैं। आपको आपके वाइफ से, आपके भाई से, आपके हस्बैंड से, आपके पापा से, आपके मम्मी से, आपके पार्टनर से, आपके दोस्त से, आपके बच्चों से कोई भी एक्सपेक्टेशन है उनको मन में मत रखिए, कोई अंतर्यामी नहीं है, सबको अपना काम है। यू नो, आज आप मेरे ऑफिस में आए, मेरे ऑफिस में आए और मेरे साथ आप जुड़ गए, अब आप ये एक्सपेक्टेशन लेके आ गए। कई लोग आते हैं जो, मैं ये सही आपको बता रहा हूँ, कई लोग जब मेरे ऑफिस में आते हैं तो उनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि BSR से रोज बात करने का मौका मिलेगा, कितना सीखने को मौका मिलेगा, हम लोग तो ट्रेनिंग में इतना सीख लेते हैं, ये आदमी से जब जुड़ेंगे तो कितना सीखेंगे। ये एक्सपेक्टेशन लेके जब आ जाते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन ना तो वो एक्सपेक्टेशन मुझे बताते हैं ना ही मेरे माइंड में रहती है। अब होता क्या है, यहाँ पे जब ऑफिस है, मेरे पास मेरे काम है, आपके पास आपके काम है, आपको आपके काम दे दिए गए, एक बार समझा दिए गए, अब रोज मेरे से बात करने का कोई कनेक्शन नहीं है। अब एक बंदा कहता है, सर मेरे को 3 महीने हो गए आपके ऑफिस में आए, 3 महीने में एक बार भी आपने मेरे को पर्सनली फोन नहीं किया सर। अब उसके माइंड में एक हर्ट है, भाई अगर वो चाहता है कि मुझे फोन करें तो वो एक मैसेज मुझे भेज सकता है, हाई सर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, एज सिंपल एज दैट। उसके पास मेरा फोन नंबर है, सब कुछ है, एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गई तो कहीं ना कहीं हर्ट क्लियर हो जाती है। मेरे एक टीचर ने मुझे बताया कि भैया भूपेंद्र तुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्लियर कर दे, एक बार क्लैरिफाई योर एक्सपेक्टेशन, उसके बाद गेम किसके, बॉल किसके पाले में, उसके पाले में। आप क्या करते रहे तो क्लैरिफाई करते नहीं।